हीरो चेतन शर्मा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय चयन समिति सवालों के घेरे में है। जी हाँ, क्यों ना हो, वरुण चक्रवर्ती का उन्होंने चयन किया, एक ऐसे खिलाड़ी का टीम में चयन किया जो ना तो मुश्ताक अली ट्रॉफी का कोई मैच खेला, क्योंकि उस वक्त वो रिहैब के दौर से गुजर रहे थे एनसीए में। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी हुई, उसमें भी ये जनाब कोई मैच नहीं खेले। तो उनका जो प्रदर्शन था वो 5 महीने पुराना जो प्रदर्शन था उसके आधार पर उन्हें टीम में चुना गया। अब आपको याद दिला दें कि इनका चयन पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी किया गया था, लेकिन तब ये अनफिट हो गए जनाब, और उसके बाद इनको टीम से रुखसत होना पड़ा, बाहर होना पड़ा। और अब एक बार फिर से इनका टीम में सिलेक्शन हुआ, योजो टेस्ट में उतरे, फेल हो गए, दोबारा उतरे क्योंकि उसमें भी ये नहीं चल पाए, क्योंकि या तो आप योजो टेस्ट को पास कीजिए या फिर आपको 800 मीटर की दौड़ जो है वो पार समय पर, एक निर्धारित समय पर पूरी करनी होती है। इन दोनों कसौटियों पर ये जनाब खड़े नहीं उतर पाए, और इससे राष्ट्रीय चयन समिति जो है एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था पिछले आईपीएल में, आपको याद होगा कंसिस्टेंटली उन्होंने विकेट्स लिए थे, 2 विकेट, 1 विकेट और एक बार तो 5 विकेट भी लिए थे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। अगर हम दूसरे खिलाड़ी देखें जिनका चयन किया है, राहुल देवतिया का चयन किया है जो फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए हैं जनाब। अब दूसरे फिटनेस टेस्ट उन्होंने दोबारा दिया है, अब इसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। राहुल देवतिया, आपको याद होगा शेल्डन कॉटरेल के खिलाफ जो है इन्होंने राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए 1 ओवर में 5 छक्के लगाए थे, जिसकी वजह से दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गए थे। उससे पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। इतना ही नहीं, तीसरे खिलाड़ी टी नटराजन, उनके भी कंधे में खिंचाव आ गया है। ये कैसे खिलाड़ी है टी नटराजन जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे, तो वहां पर इन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 तीनों में डेब्यू किया था, और T20 में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट भी चटकाए थे। वनडे क्रिकेट में भी इनको कैनबरा में ये खेले, वहां पर भी इनको विकेट मिले, 3 विकेट चटकाए इन्होंने, और टेस्ट मैच में भी उतरे, टेस्ट मैच में भी इनको विकेट मिले। लेकिन फिलहाल इनके कंधे में खिंचाव है, ये उस पर एक सस्पेंस बना हुआ है कि वो अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन एनसीए के जो जितने भी फिजिकल एक्सरसाइजेस कराने वाले या मेडिकल टीम जो है उनकी, वो पूरी तरह से जुटी हुई है कि कम से कम उनको बाद के दौर में, यानी 5 T20 मैच जो इंग्लैंड के खिलाफ होने हैं, इसमें बाद के जो मैच हैं, लास्ट के 2 मैच या 3 मैच, उसमें कम से कम उस वक्त तक इन्हें पूरी तरह से फिट कर दिया जाए। अब सवाल उठता है कि जब सिलेक्शन कमेटी जो है खिलाड़ियों की फिटनेस का आकलन नहीं कर पा रही, खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस का, हालिया परफॉर्मेंस का आकलन नहीं कर पा रही, तो ऐसे में सवाल उठना बहुत ही लाजमी है कि आखिर वो है किसके लिए। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में लिखकर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।